गुड मॉर्निंग अभिभा करंट अफेयर्स की सीरीज में हम ट्वेंटी एथ ऑफ अक्टूबर को कवर करने जा रहे हैं इसमें करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा एम सी यू के थ्रू और जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर वो देख सकते हैं हम तो डी पी एस पीस के बारे में डिस्कस करेंगे हम मैसूर दशहरा के बारे में देखेंगे ये आपका कल्चरल रिलेटेड क्वेश्चन है तो जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करना चाहिए तो काफ़ी सारी चीज़ें तो न्यूज़पेपर के अंदर ही टाइम टू टाइम आती रहती हैं तो न्यूज़पेपर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करिए देन हम इनको इसके बारे में देखेंगे दैट इज़ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस के बारे में देखेंगे नेशनल सर्वेलेंस प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे वैक्सीन के ऊपर भी एक एम है हाई कोर्ट्स के बारे में जानेंगे स्टबल बर्निंग के ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे एक्सेशन डे क्या था इसके बारे में भी एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं देन चिली की लोकेशन देखेंगे

यूपीएससी के अंदर इसे कैसे अप्लाई करेंगे बिकॉज इन दोनों वॉरियर्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है एग्जाम को क्रैक करने के लिए पेशेंस जो है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए साथ में जो टाइम आपको देना पड़ेगा वो भी आपको यहाँ पर डेडिकेट करके अपना क्वालिटी टाइम जो है वो इसके अंदर देना पड़ेगा खास तौर पे जिन लोगों का एग्ज़ाम इस बार नहीं हुआ है प्रीलिम्स में वो दो या चार या दस मार्क्स से रह गए हैं तो दे नीड टू बी मोर पेशेंट उनको पेशेंटली अब एक और साल तक अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे उनकी गलतियाँ हुई ताकि उन मिस्टेक्स को करेक्ट करके आगे आने वाले प्रिलिम्स के अंदर वो अच्छा स्कोर कर पाए चलिए यू की जो मॉक टेस्ट सीरीज है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है एग्जाम डॉट नेटमॉक डॉट कॉम के ऊपर और चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि जब तक एग्ज़ाम आपका जून के अंदर आता है तब तक आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी हो कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी हाई हो और वहाँ पर किसी भी तरीके की जो प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है वो एटलीस्ट आपको फेस ना करनी पड़े मार्किंग स्कीम के बारे में आप जानते हैं कि आपको छः छे से ज्यादा जो एम होते हैं वो ठीक करने होते हैं लेस देन सिक्स एम अगर आपके ठीक होते हैं तो दोबारा से आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा और जो एक्सप्लेनेशन मैं इसके अंदर देता हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और चाहें तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट्स आपको दिए और आपसे पूछा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा कथन सही है पहली स्टेटमेंट कहती है आर्टिकल 46 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्च एनिमल्स एंड फॉर केटल दैट आज सुटेबल फॉर ब्रीडिंग और एग्रीकल्चरल पर्पज़ तो आर्टिकल फोर्टी सिक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस चीज़ से डील करता है वो मिल्च एनिमल के प्रिजर्वेशन से केटल के प्रजर्वेशन से डील करता है और एग्रीकल्चर पर्पज से रिलेट करता है सेकेंड केटल इज़ अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट केटल जो है वो एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है सोचिए क्या आंसर होगा फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था चलिए तो रिसेंटली अलाहाबाद कोर्ट ने एक्सप्रेस करी है अपनी कंसर्न्स की जो एंटी काउस स्लॉटर लो है यूपी के अंदर उसका मिसयूज हो रहा है नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो मेंस के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे लिए ले क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रल्स में किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है तो यहां पर अगर बात करी जाए क्या कैटल एक यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट है नहीं इट्स अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट तभी तो यहां पे हाई कोर्ट की बात करी गई है और एक स्टेट गवर्नमेंट की बात करी गई है तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है आर्टिकल 46 सिक्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या मिल्च एनिमल्स को प्रिजर्व करता है और जो कैटल्स होती हैं सूटेबल फॉर ब्रीडिंग एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जाता है उनको प्रिजर्व करता है तो नहीं हमारी पहली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है बिकॉज इट इज आर्टिकल 48. एट आर्टिकल फोटी एट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिल्क एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए है और साथ में ही ऐसे एनिमल्स जो कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं हमारे लिए ये चीज़ और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया इज़ होम टू द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक मिलता है तो वो इंडिया के अंदर मिलता है और कंट्री के पास बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी माना जाता है मिल्क के लिए तो पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है वो भारत के अंदर ही होता है ये भी ध्यान रखिएगा तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर विल बी डी। तो 48 आर्टिकल है आप मुझे अच्छा ये बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आर्टिकल 46 जो है वो किससे डील करता है चलिए डी हमारा आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज़ कंसर्निंग मैसूरू दशहरा फेस्टिविटीज़ और यहाँ पे पूछा गया इसके बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो बेसिकली इंडियन आर्ट एंड कल्चर का आपका एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैसूर दशहरा के बारे में कहा गया कि एक दस दिन का फेस्टिवल होता है मे बी इट इज़ अ पॉपुलर नॉन फॉर जम्बो सवारी फिनाले ये पॉपुलरली जम्बो सवारी फिनाले के तौर पे जाना जाता है एंड महिषा

कुछ जो सेलिब्रेशन था वो देखने को मिला था इसके अंदर फेमस जंबो सवारी फिनाले जो है वो भी किया गया था जिसके अंदर 270 मीटर का डिस्टेंस जो था तीस मिनट के अंदर कवर किया गया था क्या ये टेन डे फेस्टिवल है तो यस ये दस दिन का फेस्टिवल है जिसमें नाइन डेज जो होते हैं वो नवरात्रि के होते हैं और टेन डे जो विजयदशमी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है जम्बो सवारी करी जाती है जैसे कि मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ तो इस तरीके से जम्बो सवारी सवारी हाथी की सवारी जो है इसके अंदर करी जाती है सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है जो सिटी का नाम है वो महिषा जो थे, उनको गॉडेस ने स्ले किया था खत्म किया था यहां पे मार दिया था उन्हीं के नाम पे सिटी का नाम जो है रखा गया तो आंसर हो जाएगा डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड क्वेश्चन बात करता है इनको इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस इनको इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहां पे नए फैक्ट्स हैं न्यूज़ में था इनकोइस तभी इसके बारे में हमने क्वेश्चन बनाया तो यहाँ पे इनकोइस के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कौन सा कथन आपका सही है पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ एन एटानमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ये एक अटोानोमस ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद एंड वॉज स्टेबलिश नाइनटीन हैदराबाद में स्टेबलिश किया गया था उन्नीस सौ निन्यानवे के अंदर इट प्रायरिटाजेज रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक सर्विस फ्राम इट्स डाइवर्स यूजर कम्यूनिटीज दैट रेंजेज राइट फ्रॉम फिशरमैन टू ऑफ शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज तो यहाँ पे किस किस एरिया में ये डील करती है और कैटर करती है रिक्वेस्ट को स्पेसिफिक सर्विसेज चाहे वो फिशरमैन की कम्युनिटी को कैटर करना हो या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज को कैटर करना हो सोचिए फिर डिस्कस करते हैं चलिए तो रिसेंटली इनको इसके डायरेक्टर के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है और जिसमें यह बताया गया कि जो इंडिया है इंडिया इज़ मच सेफर अगेंस्ट सुनामीज़ 2004 के कंपैरिजन में अगर हम आज के टाइम को कंपेयर करते हैं 2020 को ये कहा जा सकता है कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है जो सुनामी है उसके खतरे से क्योंकि अभी काफ़ी जगह पर अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उनको इंस्टॉल कर दिया गया है ताकि सुनामी अगर आने लगती है तो उससे पहले ही हमें वार्निंग मिल जाए और हम जो मेजर्स हैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ और जो वेरियस जो मेजर्स होते हैं वो ले पाएँ इनको इस जो है एक अटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आती है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में तो पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है यहाँ पे पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से ए और बी को आप एलिमिनेट कर लीजिए इसका मतलब सी और डी में से एक आंसर होगा और तीसरी स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी ही होगी तीसरी को भी आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए ऑलरेडी मतलब जो वेरियस सेक्टर्स हैं या वेरियस कम्युनिटीज़ हैं फ़िशरमैन हैं इंडस्ट्रीज़ हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज़ उनको इनको स्केटर करता है ये स्टेटमेंट तो ठीक होगी होगी अब हमें देखना है कि क्या ये हैदराबाद लोकेटेड है और 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था तो यस सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट हो जाती है इट इज़ बेस्ड इन हैदराबाद और नाइनटीन में इसे इस्टेब्लिश किया था इट इज़ अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन न्यू डेली उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट है ये ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर विल बी डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ बात करता है नेशनल सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया एनएसपी के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स बेसिकली दी गई हैं पहली कहती है द नेशनल सर्वेलेंस प्रोजेक्ट वॉज सेट एज ए कोलेबोरेन बिटवीन इंडिया एंड डब्ल्यू एच ओ टू एलिमिनेट मेल न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन को हटाने के लिए इंडिया और डब्ल्यू एच ओ के बीच में एन एस पी जो था इसे सेटअप किया गया था इट वॉज रीनेम्ड एज नेशनल पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस प्रोजेक्ट आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ पोलियो पोलियो के एलिमिनेशन के बाद इसका जो नाम था वो बदल के नेशनल पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस प्रोजेक्ट रख दिया गया था प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग स्मॉल पॉक्स तो इसने काफी सारी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज है वो दिए वहां पर अपना सपोर्ट दिया है जिसमें स्मॉल पॉक्स भी शामिल है सोचिए फिर डिस्कस करते हैं चलिए तो रिसेंटली सर्वेलेंस स्टाफ जो था उसने हाउस टू हाउस विजिट किया 75 डिस्ट्रिक्ट में यूपी के अंदर ताकि रिस्क ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और इस वजह से ही एनएसपी जो है पूरा न्यूज़ में था एनएसपी के बारे में बात करी जाए तो येस इट वॉज सेटअप एज ए कोलेबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड डब्ल्यू बिल्कुल ठीक है इंडिया डब्ल्यू एच के बीच का कोलेबोरेशन था बट किस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए मेल न्यूट्रिशन को नहीं पोलियो को एलिमिनेट करने के लिए ध्यान रखिएगा इसलिए पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है और ए और बी आप एलिमिनेट कर लीजिएगा इट मीन्स सी और डी में से आंसर होगा जिसमें से सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट होगी ही हो होगी मतलब जो नाम है इसका बदला गया है इट वॉज रीनेमड एज नेशनल पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस प्रोजेक्ट आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ पोलियो थर्ड स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा आंसर क्या है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट है सपोर्टेड मेनी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज जिसमें स्मॉल पॉक्स भी शामिल है देखिए मेनली जो इसको जाना जाता है वो इबोला आउटब्रेक जो अफ्रीका के अंदर हुआ था द प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग इबोला इन अफ्रीका तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है आंसर क्या हो जाएगा आंसर विल बी सी सी हमारा सिर्फ ओनली सेकेंड स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट है इसमें जो की रोल है यह आपका मेन्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्लस्टर कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ जो होती है वो देखते हैं जैसे कि आइडेंटिफिकेशन किया जाता है जोग्राफिकल एरियाज़ का फॉर कोविड नाइन्टीन क्लस्टर्स जैसे कि अभी रिसेंटली किया गया सपोर्ट रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स इसके अंदर अवेलेबल होती है स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सपोर्ट माइक्रो प्लानिंग ट्रेनिंग फॉर क्लस्टर कंटेनमेंट अगर कहीं पर भी क्लस्टर में ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है और रिस्क का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है तो उसको कंटेन कैसे करना है ताकि वो दूसरी जगह में ना फैले वो भी इसके अंदर माइक्रो प्लानिंग करी जाती है क्लस्टर को मॉनिटर करने के भी इसमें एक्टिविटीज़ करी जाती है और फीडबैक भी दिया जाता है फॉर करेक्टिव एक्शंस ये सारे पॉइंट्स जो आपके मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वैक्सीन्स के बारे में है पूछा गया वैक्सीन्स के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है फर्स्ट एटमेंट कहती है वैक्सीन आर डेवलप्ड यूजिंग मेनी डिफरेंट टेक्निक्स एंड सम ऑफ देम आर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स को बनाने के काफ़ी सारी टेक्नीस होती हैं तरीके होते हैं और कुछ वैक्सीन्स इनएक्टिवेटेड होती हैं इन द पास्ट सिक्सटी ईयर्स वैक्सीन हेल्प इरेडिकेटेड ओनली वन डिसीज लास्ट साठ सालों की बात करें तो वैक्सीन ने एक डिसीज़ को हटाने में हेल्प करिए इरेडिकेट करने में हेल्प करिए दे ऑल आर इंजेक्टेड इन टू द बॉडी सारी जो वैक्सीन्स होते हैं उन्हें बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है सोचिए फिर डिस्कस करते हैं ड के, के द्वारा बनाया जा रहा है और ऐसा देखा गया है कि लोअर एडवर्स रिस्पॉन्स किसके अंदर यंग एडल्ट के अंदर और एल्डरलीज के अंदर वेरियस वैक्सीन ऑल अराउंड डेवलप करी जा रही है कोविड नाइन्टीन के लिए कुछ फर्स्ट स्टेज ट्रायल्स के अंदर है, कुछ सेकंड और थर्ड स्टेज ट्रायल्स के अंदर पहुंच चुकी है इंडिया के अंदर भी ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ वैक्सीन वो स्टार्ट हो चुके हैं इंडिजिनस वैक्सीन जिसका नाम दिया गया को वैक्सीन इसे भारत बायोटेक एंड आईसीएमआर के द्वारा बनाया जा रहा है ये भी ध्यान रखिएगा वैक्सीन होता क्या है बेसिकली देखिए वैक्सीन इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन एक तरीके की मेडिसिन होती है जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि डिसीज से लड़ा जा सके अगर किसी भी तरीके की डिसीज़ आपकी बॉडी को परेशान करती है तो जो वैक्सीन होती है वो एक इस तरीके का इम्यून सिस्टम क्रिएट कर देती है आपके अंदर ताकि उसको उस पर्टिकुलर डिसीज को आसानी से फाइट किया जा सके वैक्सीन्स जो है वो डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी बनाई जाती है ऑलरेडी अगर हम एडवांस में लगा देते हैं तो ये माना जाता है कि फ्यूचर में वो डिसीज़ आपको नहीं होंगी रादर देन ट्रीट डिसीज़ डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए नहीं लगाया जाता है तो यहाँ पे इन एडवांस वैक्सीन अगर लगा दी जाती है तो हमें ये लगता है कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर डिसीज से तो हमारी बॉडी जो है वो फाइट ऑफ कर ही लेगी एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेगी ताकि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डिसीज जिसके होने की आशंका है वो हमें ना हो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर क्या इसको वेरियस टेक्निक से बनाया जाता है तो यस काफी सारी टेक्निक्स होंगी कॉमन सेंस भी ये कहती है कि वैक्सीन को बनाने की तो एक से ज़्यादा ही टेक्निक्स होंगी बट क्या इसमें से कुछ इनएक्टिवेटेड होती हैं तो यस सम ऑफ देम आर इनएक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में क्या होता है अगर पोलियो में भी देखें पोलियो में भी इस चीज़ को यूज़ किया जाता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होती हैं उसी तरीके से कोविड नाइन्टीन के अंदर भी अगर हम बात करें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की इसका मतलब होता है दीज आर द वैक्सीन्स जो कि कोविड नाइन्टीन वायरस जिसको मार दिया गया ऐसा वायरस जिसको किल कर दिया गया कोविड नाइन्टीन का ऐसा वायरस जो कि किल्ड है उसके पार्टिकल्स को यूज करके इस पर्टिकुलर वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को बनाया जाता है ताकि जो कोविड नाइन्टीन वायरस है वो आपको इन्फेक्ट ना कर पाए और रेप्लीकेट ना कर पाए तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट हो जाती है ठीक है इन द पास्ट सिक्सटी ईयर्स वैक्सीन सेल्फ इरेडिकेटेड ओनली वन डिसीज तो यहाँ पे वैसे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है थर्ड दे ऑल आर इंजेक्टेड इनटू बॉडीज तो क्या ऐसा है सभी बॉडीज के अंदर दी जाती हैं सोचिए नहीं सभी इंजेक्ट नहीं करी जाती है रीजन क्या है उसका रीजन इसका यही है दे आर इंजेक्टेड इंटू बॉडी गलत हो जाएगा तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं रिलेंस प्लस मेन्स का जो गाइडेंस प्रोग्राम है आपको एग्जाम डॉट नेटमोक डॉट कॉम पर मिल जाएगा जिसमें आपको वेरियस सीरीज वीडियो सीरीज है वो मिलती है साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होती है जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है हाई कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स तो अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया है पूछा गया कि वो हाई कोर्ट कौन सी है क्या उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऐसा किया है गुवाहाटी ने द हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने या गुजरात हाई कोर्ट ने सोचिए चलिए तो रिसेंटली जो हमारे अटोर्नी जनरल हैं के के वेणुगोपाल उन्होंने कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का सो दैट टू एक्सेसिबल टू ऑल था सभी को यह चीज एक्सेस हो पाए बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस पर्टिकुलर चीज का मिस यूज हो सकता है लोगों के द्वारा तो यहां पर अभी गुजरात हाईकोर्ट के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो करी गई है और यहां पर अटोर्नी जनरल ने सबमिट किया था कि लोग जो है एवरी वन के अंदर वॉच द कोर्ट ये पूरा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तो डी हमारा यहाँ पे आंसर है मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि क्या आपको लगता है कि लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए कोर्ट्स का इसके प्लस में क्या चीज़ें जाती हैं प्रोस क्या है कॉन्स क्या है ये आपसे पूछे जा सकते हैं तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग गोज अ लॉन्ग वे इन इंक्रीजिंग द एक्सेस टू जस्टिस जो कि आर्टिकल इक्कीस के अंदर दिया गया इस तरीके के पॉइंट्स भी आप लिखेंगे कि जब भी लाइव स्ट्रीमिंग होगा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का सब लोग उसको देख पाएंगे और आर्टिकल ट्वेंटी को कहीं ना कहीं

तो रिसेंटली हुआ क्या है सेंटर ने कहा है कि एक लॉ जो है वो लेके आया जाएगा स्टेबल बर्निंग को लेके जो डेली और इसकी सराउंडिंग रीजन खासतौर तो पे जो आपका एनसीआर रीजन है नेशनल कैपिटल रीजन वहाँ पे जो स्टबल बर्निंग करी जाती है उसको लेकर एक लॉ जो है बहुत जल्दी लेके आया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली हमारे एक एक्स एक जज है मिस्टर एम बी लोकर उनको अपॉइंट किया है एज ए वन मैन कमेटी ताकि स्टबल बर्निंग के इशू के अंदर देखा जा सके सुप्रीम कोर्ट आस्क एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी दैट इज ई पी सी एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ हरियाणा पंजाब एंड यूपी की लोकर पैनल को जो है आप सपोर्ट करिए फिजिकल सर्वेलेंस जो है वो उनका कराइए कहाँ कहाँ पे स्टबल बर्निंग करी जाती है ये भी वो देखना चाहेंगे ठीक है अब बात करते हैं कि कॉजेज के अंदर कौन कौन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉजेज हैं अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यस अनअवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो है येस स्टेबल बर्निंग का ये कारण है क्योंकि हमारे पास अभी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है ताकि स्टबल बर्निंग को रोका जा सके या फिर जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है वह काफ़ी एक्सपेंसिव है इस वजह से ये एक कारण बन जाता है किसका स्टबल बर्निंग का क्या हाई सिलिका कंटेंट भी इसका एक कारण है तो ये हाई सिलिका कंटेंट भी एक स्टबल बर्निंग का कारण है तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसका कारण नहीं है आंसर हो जाएगा सी अब हम डिस्कस करते हैं चलिए अब थोड़ा डीपली इसको डिस्कस करते हैं तो टेक्नोलॉजी कैसे इस इस्टल बर्निंग के लिए कॉज है देखिए होता क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो रही है मैकेज्ड हार्वेस्टिंग की वजह से पहले हार्वेस्टिंग जो थी इतनी ज़्यादा मैकेनाइज नहीं थी लेकिन अभी मैकेनाइजेशन की वजह से क्या होता है जो क्रॉप होते है उसका जो रेसिड्यू है मान लीजिए क्रॉप है आपने उसको काटा और नीचे उसका जो छोटा सा एक या दो इंच जो होता है वो नीचे ग्राउंड में ही रह जाता है ठीक है इनिशियल ईयर्स में क्या होता था स्टार्टिंग के टाइम में ये जो एक्स्ट्रा क्रॉप जो नीचे रह जाती थी इसको यूज़ किया जाता था एक्स्ट्रा इंसुलेशन के लिए एनिमल्स के लिए फार्मर्स इसे कुकिंग के लिए भी यूज़ किया करते थे लेकिन अभी ये प्रैक्टिस आउटडेटेड मानी जाती हैं इस वजह से ये जो एक दो इंच नीचे बच जाता है इसको जला दिया जाता है और इस वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है सेकंड अगर हम राइस की बात करते हैं नॉन बासमती राइस के अंदर जो ये नीचे जो चीज़ बचती है इसमें हाई सेली का कंटेंट होता है और इसी वजह से इसे फॉर्डर के लिए भी यूज़ नहीं किया जा सकता तभी भी स्टबल बर्निंग जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा करी जा रही है क्योंकि वो इस्तेमाल में ही नहीं लाया जा सकता तो पहली जो दो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है लेकिन आपको क्या बताना था इसमें इनकरेक्ट बताना था नॉट द कॉज ऑफ स्टबल बर्निंग तो आंसर आपका सी हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एथ बात करता है एक्सेशन डे के बारे में पूछा गया एक्सेशन डे के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है पहली कहती है इट मार्क्स द साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया, किया गया था उस दिन को मार्क करता है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंट के बीच में साइन किया गया था सोचिए फिर डिस्कस करते हैं चलिए तो रिसेंटली अभी बीजेपी जो हमारी पार्टी है द रूलिंग पार्टी उन्होंने तिरंगा यात्रा जो है उसको निकाला है ऑन एक्सेशन डे ध्यान रखिएगा एक्सेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ये मुझे अब कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा ठीक है तो क्या इस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था तो पहली इसमें बिल्कुल ठीक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो साइन किया गया था लास्ट डोगरा रूलर महाराजा हरी सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन तो जो तब के गवर्नर थे इन दोनों के बीच में तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोनों स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट होने की वजह से सी विल बी द करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में आपको डे का कब ऑब्जर्व किया जाता है ये मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन चिली के बारे में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बाउंड्रीज विद चिली चिली के साथ कौन कौन सी कंट्रीज हैं बाउंड्री को शेयर करती है ब्राजील करती है बोलेविया करती है पेरू करती है सोचिए फिर डिस्कस करते हैं चलिए रिसेंटली जो चिलियस हैं उन्होंने वोट किया है एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इसमें 78 परसेंट लोगों ने बैक किया है सपोर्ट किया है कि रिफॉर्म्स जो हैं वो होने चाहिए और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए यहाँ पे वोटिंग करी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर जो है वो प्रोवाइड किया जा सके अब हम एक बार लोकेशन देखते हैं चिली की तो चिली को कौन कौन सी कंट्रीज़ टच कर रही हैं ऊपर परू से बॉर्डर टच हो रहा है बोलीविया से हो रहा है अर्जेंटीना से हो रहा है लेकिन यहाँ पर उर्गे से पैरोगे से या ब्राज़ील से नहीं हो रहा है तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बोलिविया परूस से हो रहा है लेकिन ब्राजील से नहीं हो रहा है सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती है कंट्रीज़ की अगर कंट्री न्यूज़ में आती है आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि किसके बारे में है कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के बारे में है पूछा कि ओपेक के बारे में बताइए करेक्ट क्या है सही क्या है पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ इंटरगवर्मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये पर्मानेट इंटरगवर्मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक हेडक्वार्टर इसका जैदा सऊदी अरेबिया में है एंड इट वाज क्रिएटेड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में इसे क्रिएट किया गया था सोचिए फिर डिस्कस करते हैं चलिए तो यहाँ पे रिसेंटली ओपेक अगेन न्यूज में थी ओपेक का ऐसा मानना है कि कोविड नाइन्टीन का जो अभी इफेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं लॉकडाउन भी कम हो रहे हैं और कर्फ्यूज़ भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं इस वजह से जो एनर्जी डिमांड है वो फिर से इंक्रीज होने की संभावना है क्योंकि ओपेक कंट्रीज जो है ज़्यादातर अपनी ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है तो इज़ इट अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पहली स्टेटमेंट की बात करी जाए तो येस इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे जद्दा सऊदी अरेबिया में नहीं इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेट करता है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ओपेक जब बनाई गई थी तो इसका जो हेडक्वार्टर था जनेवा के अंदर था स्विट्जरलैंड के अंदर इन द फर्स्ट फाइव ईयर्स ऑफ इट्स एक्जिस्टेंस देन इसको मूव कर दिया गया था वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर नाइनटीन सिक्सटी फाइव के अंदर ठीक है तो पहले जनेवा में हुआ करता था फिर वियेना में शिफ्ट कर दिया था सेकेंड स्टेटमेंट इस वजह से आपकी इनकरेक्ट हो जाती है थर्ड की बात करें इट वॉज़ क्रिएटेड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस इन नाइनटीन सिक्सटी उन्नीस सौ साठ में बगदाद कॉन्फ्रेंस में इसे क्रिएट किया गया था तो यस तीसरी स्टेटमेंट जो हमारी है वो भी ठीक हो जाती है आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर कुछ जो इसकी कंट्रीज़ पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं उनको देख सकते हैं आप यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं तो दस क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं अब मैं दो मिनट के अंदर रिविजन करवाऊँगा और उसके बाद हम प्रिलिम्स का क्वेश्चन ऑफ़ द डे देखेंगे और लास्ट में जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है विनर ऑफ द डे भी हम यहाँ पर देखेंगे चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 46 के बारे में देखा था जिसमें आप मुझे बताने वाले कमेंट सेक्शन में 46 किससे रिलेट करता है आर्टिकल 48 जो था वो पर्टिकुलरली डील करता है प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्स एनिमल से इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट और अलाहाबाद कोर्ट ने अभी अपनी कंसर्न्स जो हैं कंसर्निंग जो आपका एंटी काउस लोटल लो है उसके ऊपर यहाँ पर जाहिर करी है फिर हमने देखा था मैसूर दशहरा फेस्टिवल के बारे में दस दिन का फेस्टिवल होता है जम्बो सवारी फिनाले इसके अंदर किया जाता है साथ में जो सिटी का नाम है वो महिषासुर के नाम पर रखा गया था ये भी ध्यान रखिएगा देन क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हमने मूव किया था क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अबाउट इक्कॉइस इन्क्वाइस के बारे में देखा था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आता है अभी एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई थी डायरेक्टर इन्क्वाइस के द्वारा कि जो सुनामी का खतरा है वो अगर हम दो हज़ार चार से अपने आप को कंपेयर करें आज के टाइम में तो काफ़ी हद तक कम हो चुका है ध्यान रखिएगा इसके बारे में हैदराबाद में लोकेट करता है ये देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल सर्वेलेंस प्रोजेक्ट तो इसमें हमने डिस्कस किया था अभी रिसेंटली यूपी के अंदर हाउस टू हाउस जो ये सर्वे है वो किया जा रहा है डब्ल्यू एच ओ के साथ एनएसपी साइन किया गया था और ये पोलियो को एलिमिनेट करने के लिए किया गया था इसको बाद में रीनेम भी कर दिया गया था रीनेम नाम भी जो था मैंने आपको बताया था इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन्स के परस्पेक्टिव से थे वो भी हमने डिस्कस किए थे देन वो डिस्कस वैक्सीन ये आपकी ओरल भी होती है इंजेक्टेड भी होती है साथ में ही इनएक्टिवेटेड कौन सी वैक्सीन होती है वो भी मैंने आपको बता दिया था देन क्वेश्चन नंबर सिक्स पे हमने शिफ्ट किया था क्वेश्चन नंबर सिक्स पे हमने देखा था लाइव like प्रोसीडिंग्स अभी गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा करी गई है ध्यान रखिएगा आगे बाकी की जो कोर्ट्स हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकती हैं देन हमने देखा था अभी ऑफ द फॉलिंग इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टबल बर्निंग को कोज नहीं करता ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी जो है और हाईसेली का कॉन्टेंट कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मुख्य कारण बनता है अभी एक लोकर कमेटी जो है वो बनाई गई है और वेरियस सेक्रेटरीज और जो एडमिनिस्ट्रेशन है हरियाणा यूपी की उनको कहा गया कि लोकर कमेटियों को आप सपोर्ट करिए हमने एक्सेशन डे के बारे में डिस्कस किया था बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है सेक्शन में बताइएगा महाराजा हरी सिंह और लॉर्ड माउंट के बीच में साइन किया गया था इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था चिली की बाउंड्रीज़ के बारे में तो हमने देखा था वेरियस कंट्रीज जो बाउंड्रीज शेयर करती हैं वो यहाँ पे हमने जाना था पेरू बलिबिया एंड अर्जेंटीना लास्ट में डिस्कशन हुआ था हमारा ओपेक के बारे में ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं और यहाँ पे इनका बिजनेस जो है वो रिवाइव होने वाला है कोविड नाइन्टीन के बाद इस वजह से न्यूज़ में थी हेडकोार्टर कहाँ लोकेट करता है अवीना के अंदर और साथ में बगदाद कॉन्फ्रेंस जो है उसमें इसे क्रिएट किया गया था देन क्वेश्चन जिसका आंसर करना है राइट टू पर्सन विद विस्ेबिलिटी एक्ट टू किसने इसको इसने किसको रिप्लेस किया था अर्लियर एक्ट ऐसा कौन सा था जिसको रिप्लेस करके ये एक्ट हमारा आया था मेंस का जो क्वेश्चन आपने आंसर करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है देख सकते हैं आप और लास्ट टाइम के जो विनर है सो so करेक्ट आंसर दो है सुश्री संगीता ने दिया है तो आप हमें नेटमोक आई के ऊपर मेल करके बता दीजिएगा जो पी आपको चाहिए कॉमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा और साथ में ही जो इस पर्टिकुलर वीडियो की पी है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी यू कैन सब्सक्राइब द चैनल बेलाइकन को प्रेस कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू टूमोारो